गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अगले क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसमें टॉपिक हमारा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन ह्यूमन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। कह रहा है जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह मेल के लिए अलग होता है और फीमेल में अलग होता है, यानी डिफरेंट पाए जाते हैं। लेट अस कंसीडर देम वन बाय वन। आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। कह रहा है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह विभिन्न प्रकार के ऑर्गनों से मिलकर के बना होता है। वो ऑर्गन क्या क्या होते हैं? तो वह ऑर्गन होता है टेस्टिस होता है, स्कोर्टल सैक्स होता है, इपिडीडाइमिस होता है, स्पर्म डक्ट्स होते हैं, सेमिनियल वेस्कल्स होता है एंड पेनिस। और पेनिस इन तीन चार चीजों जो भी इसके ऑर्गन थे, इन ऑर्गनों से मिलकर के आपका संपूर्ण मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्राइमरली, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यह प्राइमरली मतलब प्रमुखतः या प्रमुख रूप से मेल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। यह क्या होता है? एक पेयर ऑफ टेस्टिस से मिलकर के बना होता है, सिंगुलर टेस्टिस, सिंगुलर रूप में इसे टेस्टिस कहा जाता है। अब टेस्टिस क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। दैट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन ए सैक नोन एज द सेक्रोटम आर द स्कोर्टल सैक्स। कह रहा है कि ये जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस हमारे एब्डोमेन यानी जो पेट होता है उस पेट के निचले भाग में आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ ये पाए जाते हैं और एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है। उस थैली नुमा संरचना में ये पाए जाते हैं। कौन? टेस्टिस पाया जाता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सेल आर मेल गैमिट आर प्रोड्यूस इनसाइड द टेस्टिस। कह रहा है द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो मेल का रिप्रोडक्टिव मतलब सेल्स होते हैं या जो मेल के गैमिट होते हैं वह इस टेस्टिस के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। देखिए ये आपका टेस्टिस है और इस टेस्टिस में ही आपके जो गैमिट्स होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन होता है वह इसी टेस्टिस में होता है। और ये दोनों जो होते हैं एक थैली जैसी संरचना में पैक होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग द मेल गैमिट्स आर नोन एज द स्पर्म। और जो इसमें बनने वाला मेल गैमिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। इपिडीडाइमिस इज द कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर एंड इट सर्व टू स्टोर मैच्योर स्पर्म। और इसी में इपिडीडाइमिस पाया जाता है। इसमें ये गोल संरचना होती है, ये जो बना हुआ है कॉलर जैसी संरचना इधर भी और इधर भी, इसी में उस स्पर्म को हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं या यहाँ पर स्टोर होते हैं और वो स्पर्म यहाँ पर मैच्योर होते हैं अर्थात परिपक्व होते हैं। और जब परिपक्व हो जाते हैं या स्टोर इसमें हो जाते हैं, दीज टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब द ज्वाइनिंग फ्रॉम द स्पर्म डक्ट। और यह जो आपका टेस्टिस है और टेस्टिस के साथ आपका इपिडीडाइमिस जुड़ा हुआ है, इसी से एक नली जुड़ी हुई होती है। ये नली इस प्रकार यहाँ पर आई हुई है, यहाँ से भी जुड़ करके यहाँ इस प्रकार जुड़ी हुई है, आई हुई है। इस नली को हम लोग कहते हैं, इस ज्वाइंट नली जो होती है उस नली को, दीज टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ द सेवरल स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स दैट ज्वाइन फ्रॉम द स्पर्म डक्ट। यानी इसको कहा जाता है क्या? स्पर्म डक्ट। यानी स्पर्म को ढोने वाली जो नली होती है उसी को कहा जाता है क्या?
स्पर्म डक्ट कहा जाता है। वास डिफरेंसेस ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम इपिडीडाइमिस टू दी यूरेथ्रा। कह रहा है कि यह जो नली है, इस नली को स्पर्म डक्ट, या इसी को हम क्या कहेंगे, वास डिफरेंस कहेंगे। इसके द्वारा जो स्पर्म होता है उस स्पर्म को हम ला करके यूरेथ्रा में भेजते हैं। यहां से भी जो इकट्ठा स्पर्म था, ऐसे इस स्पर्म डक्ट के द्वारा या वासा डिफरेंस के द्वारा ला करके यहां पर क्या होगा, स्टोर होगा। कहां पर स्टोर होगा, यूरेथ्रा में स्टोर होता है। जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द डक्ट दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द ईच टेस्टिस। कह रहा है और यहाँ पर क्या होगा, आकर के इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद यहाँ से एक तरल पदार्थ निकलता है इसके बगल से, जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। इस सेमिनल वेसिकल्स और स्पर्म के आपस में मिल जाने के कारण यह लिक्विड स्टेज में आ जाता है, जिसको आगे की तरफ हम भेज देते हैं या आगे की तरफ यह चला जाता है। कह रहा है कि क्या, वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम इपिडीडाइमिस टू द यूरेथ्रा जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द डक्ट दैट इज अराइजिंग फ्रॉम ईच टेस्टिस। जो प्रत्येक टेस्टिक का जो ओपनिंग होगा, ये यहीं से चला गया था होकर के, वो यहीं पर ओपन होगा। कहां पर, जो ये यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा में यह ओपन होता है और यहां पर यह क्या होगा, कलेक्ट किया जाता है। There is a gland known as the seminal vesicles। कह रहा है यहीं पर एक gland पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, seminal vesicles कहा जाता है। This gland which is present in each testis। कह रहा है क्या, ये प्रत्येक testis में पाया जाता है। यहाँ से देखिए निकला तो यहाँ पर भी है और यहाँ से निकला तो यहाँ पर भी है, यानी दो testis हैं तो दो seminal vesicles भी होंगे और है भी इस फिगर में। विच इज प्रेजेंट इज टेस्टिस प्रोड्यूसेस द सबस्टेंस दैट एज लाइक द मीडियम फॉर द पासेज ऑफ द स्पर्म। ये लिक्विड सबस्टेंस का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, जो एक मीडियम का काम करता है स्पर्म को ले जाने का, यानी स्पर्म को एक माध्यम के द्वारा भेजने का काम करता है कौन, वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, क्योंकि यह यहां से क्या निकालेगा, एक लिक्विड सबस्टेंस निकालता है, यानी मीडियम का काम करता है। एक्ट इन मीडियम फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्पर्म। दिस लिक्विड मीडियम मिक्स विथ द स्पर्म एंड फॉर्म द सीमन। और जब यह लिक्विड सबस्टेंस स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। विच इज मिल्की इन नेचर, जो देखने में कैसा होता है, जिसका नेचर कैसा होता है, मिल्की मतलब दुधिया, दूध के तरह होता है, दुधिया होता है। द स्पर्म प्रेजेंट इन द सीमन रीचेस द यूरेथ्रा विच इज प्रेजेंट इन साइड द पेनिस। इसके बाद क्या होगा, यह जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में जब सीमन लिक्विड स्टेट में हो जाता है तो इसको आगे की तरफ है, हम यूरेथ्रा विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस, पेनिस में हम क्या कर देते हैं, यहां से निकल करके चला आएगा कहां पर, पेनिस। पेनिस क्या होता है, देखिए पेनिस ये आपका बाहर की तरफ पूरी संरचना होती है, यहां पर चला आएगा। द सीमन इज द इवेंचुअली रिलीज थ्रू द पेनिस, और यह सीमन जो होगा इस पेनिस में रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। यह जो पेनिस होता है वह मेल का सेक्स एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सेक्स किया जाता है, या सेक्स में इसी अंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसे हम, यह आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हम लोग चर्चा करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। कह रहा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इसमें भी क्या होता है, एक पेयर ओवरी पाई जाती है। जैसे मेल में क्या पाया गया, एक पेयर टेस्टिस पाया गया, वैसे फीमेल में भी एक पेयर क्या पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है। दैट वियर्स द एग आर द फीमेल गैमेट्स नोन एज ओवा। उस ओवरी में क्या बनते हैं, एग बनते हैं, ओव्यूल बनते हैं या अंडे बनते हैं, और उसी ओव्यूल या अंडे को हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं। द टू
ओवरीज आर ओवल इन शेप, कह रहा है तो ओवरीज जो होती है उनका शेप कैसा होता है, ओवल होता है, अंडाकार होता है, एंड लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, और यह जो पेट होता है उस पेट के निचले भाग में स्थित होता है, ऑन आइदर साइड द यूटेरस, जो यूटेरस के अगल बगल दोनों साइडों में पाया जाता है। द साइज ऑफ द ओवरी इज अबाउट द सेम एज दैट द एन आलमंड, कह रहा है इसका जो साइज होता है वह सेम होता है और जैसे आमला होता है, आमले के आकार का यह ओवरी पाया जाता है। आइए थोड़ा और इस पर देख लेते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो जो ओवरी है, ए फ्यूनल शेप ट्यूब लाइक एज द फेलोबियन ट्यूब आर द ओविडक्ट इज प्रेजेंट क्लोज द ओवरी। मैंने कहा देखिए कि जो फीमेल होता है उस फीमेल में क्या पाया जाता है, दो ओवरी पाई जाती है, और इन दोनों ओवरियों में क्या बनता है, ओवा बनता है ये, या अंडे बनते हैं। ए फ्यूनल फनल शेप्ड ट्यूब नोन एज द फेलोबियन ट्यूब, इससे देखिए क्या यह जुड़ा हुआ है, फेलोबियन ट्यूब, यहां से भी और यहां से भी, देखिए यहां लिखा भी गया है क्या, फेलोबियन ट्यूब। तो फेलोबियन ट्यूब जो होता है वह ओवरी से जुड़ा होता है या ओवरी के संपर्क में रहता है। आउटसाइड ओविडक्ट इज प्रेजेंट क्लोज टू द ओवरी, व्हेन द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, जब यहां से क्या रिलीज होता है, ओवरी से जब ओवा रिलीज होता है, इट पासेस थ्रू द फेलोबियन ट्यूब टू द यूट्रस, तो यह जो फेलोबियन ट्यूब है इस फेलोबियन ट्यूब के द्वारा यह जो यूरेथ्रा है या यूरेटरस है, यूरेट्रस मीन्स होता है गर्भाशय, जो गर्भाशय है यहाँ गर्भाशय तक आता है। यूट्रस इज हालो मस्कुलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, कह रहा है जो यूट्रस होता है यह कैसा होता है, खोखला होता है, और जो केवल मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है, यानी ये जो अंदर का भाग होता है कैसा होता है, मांसल होता है, यानी इसमें मसल्स ही पाए जाते हैं, और यह जो यूट्रस होता है वह तीन भागों से मिलकर के बना है या तीन लेयरों से मिलकर के बना है। सबसे अंदर की लेयर को हम बोलते हैं, अंदर वाले भाग को हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, और यह इंडोमेट्रियम होता है। यूट्रस इज हालो मस्कुलर पियर शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल, जो फीमेल के स्टमक होता है उस स्टमक के नीचे ही यह पाया जाता है। बट बिफोर इट मूव्स टू यूट्रस इट गेट्स द फर्टिलाइज इन द फेलोबियन ट्यूब, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वह कहाँ पर होती है, फेलोबियन ट्यूब में ही होती है, अर्थात जो फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमेट यानी ओवा और जो स्पर्म होते हैं एक दूसरे से जहां पर कंजुगेट होते हैं या मिलते हैं वो स्थान कहां पर होता है, फेलोबियन ट्यूब होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज नैरो एंड इट इज नोन एज द सर्विक्स, कह रहा है जो इसका सबसे नीचे वाला भाग होता है वह कैसा होता है, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज नैरो, नैरो होता है, सकरा होता है, और जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, टू एक्सटीरियर थ्रो द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द वैगिना, और उसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम वैगिना कहते हैं, यानी वैगिना से ऊपर क्या होता है, सर्विक्स होता है, यहीं के द्वारा आपका जो स्पर्म होता है वह स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है यहाँ से और जा करके फेलोबियन ट्यूब, यहाँ से जो ओवा रिलीज होते हैं वो उस ओवा के रिलीज और यहाँ से जो स्पर्म पहुंचा वो आपस में मिल करके यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ द सर्विस टू द एक्सटीरियर थ्रो द मस्कुलर ट्यूब लाइक द वेजिना इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कह रहा है जो वेजिना होता है वो क्या है, पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यहाँ पर उस स्पर्म को रिसीव करता है, यानी रिसीव करने का काम कौन करता है, ये वैजना करती है, और यहाँ से हो करके यहाँ पर आकर के फेलोबियन ट्यूब में क्या हो जाता है, वो स्पर्म और जो ओवा होते हैं आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद जो
ये चले आते हैं यूट्रस में, और यूट्रस में आकर के धंस जाते हैं, फिर यहीं पर एम्ब्रियो होता है, फिर एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने के बाद धीरे धीरे न्यू चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है और न्यू एग्स ऑफ स्प्रिंग का जन्म हो जाता है। ये आपका हो गया क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग अगले क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप देखिए और समझिए, जो न समझ में आएगा आप लोग हमसे पूछिएगा। ओके, धन्यवाद।